मांगों को लेकर आज जो वार्तालाप हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे पास जो है मांगों को लेकर समझौता वार्ता पत्र है, इसमें हम देखेंगे कि जो मांगे थी किन किन मांगों पर क्या निर्णय जो है लिया गया है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि शशि यादव जो है वो और जो है जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, इन दोनों के बीच वार्तालाप था आज। तो वार्तालाप में जो है ये जो पत्र है हमारे पास समझौता वार्ता पत्र, हम इस पत्र में देखेंगे कि किन किन मांगों पर क्या निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली मांग नंबर वन, और नंबर वन में जो पहला मांग है यानी नंबर को, आशा कार्यकर्ता फैसिलिटेटरों को राज्य निधि से दे 1,000 रुपया मासिक भुगतान संबंधी सरकारी संकल्प में अंकित पारितोषिक शब्द को बदलकर अन्य राज्यों की तरह नियत मासिक मानदेय किया जाए और इसे बढ़ाकर 10,000 रुपया किया जाए। तो ये जो है मांग नंबर वन, जिसमें से ये कौन नंबर था, ठीक है, ये पहला मांग था। तो इसमें निर्णय सरकार का क्या हुआ, देखिए राज्य सरकार के संकल्प संख्या इतना इतना को दिनांक इतना इतना में जो है यथावर्णित आशा कार्यकर्ता एवं आशा फैसिलिटेटरों के राज्य निधि से दे 1,000 रुपया मासिक पारितोषिक शब्द को बदलकर मासिक मानदेय किया जाएगा और इस मद में अतिरिक्त 1,500 रुपये अर्थात कुल 2,500 रुपये मासिक का भुगतान किया जाएगा। वर्धित राशि के भुगतान सितंबर 23 से किया जाएगा। यानी कि पहला मांग पर पूरी तरह से निर्णय हो चुका है। पहला मांग नंबर वन मांग का जो पहला मांग है वो पूरी तरह से जो है पूर्ण रूप से वो जो है हो चुका है। उसके बाद अब मांग नंबर वन में दूसरा मांग क्या है कि उक्त विषयक सरकारी संकल्प के अनुरूप इस मद का वित्तीय वर्ष 19-20 यानी कि अप्रैल 19 से नवंबर 20 तक का मासिक 1,000 रुपया का बकाया राशि का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। तो इसमें निर्णय क्या बना है कि में जो है क में वर्णित संकल्प के आलोक में दे बकाया राशि का ब्यौरा संकलित कर भुगतान कर दिया जाएगा। यानी कि इस मांग पर भी सहमति बन चुकी है, ये मांग भी पूरा हुआ। उसके बाद अब आता है मांग नंबर टू। मांग नंबर टू ये है कि अश्विन पोर्टल से भुगतान शुरू होने के पूर्व का सभी बकाया राशि का भुगतान किया जाए। तो इसमें निर्णय ये आया है कि आशा एवं आशा फैसिलिटेटरों के कार्य आधारित दावों का अश्विन पोर्टल से भुगतान शुरू होने के पूर्व के बकाया राशि का आकलन करके भुगतान हेतु राशि आवंटित किया जाएगा। यानी कि ये मांग भी पूरा कर दिया गया। मांग नंबर थ्री, अब तीसरा मांग क्या था, तीसरा मांग में पहला मांग क्या था कि आशा कार्यकर्ताओं फैसिलिटेटरों को दे प्रोत्साहन मासिक पारितोषिक राशि का अद्यतन भुगतान सहित इसमें एक रूपता पारदर्शिता लाई जाए। इसमें निर्णय किया हुआ है कि इसके लिए सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को पत्र निर्गत कर निर्देश जारी किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है पत्र निर्गत किया जाएगा, निर्देश इसके लिए जारी किया जाएगा। उसके बाद मांग नंबर थ्री में यानी कि तीसरा मांग में जो दूसरा मांग है कि आशाओं के भुगतान में व्याप्त भ्रष्टाचार कमीशनखोरी पर सख्ती से रोक लगाई जाए। अब इसमें निर्णय क्या बना है कि आशा फैसिलिटेटरों के भुगतान में भ्रष्टाचार कमीशनखोरी के ठोस सबूत के साथ शिकायत पत्र दिए जाने पर वैसे दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो है इनके कहने का मतलब यह है कि अगर कोई जो है भ्रष्टाचार कमीशन खोई अगर ठोस सबूत के साथ पकड़ा जाता है तो उस पर जो है उसके विरुद्ध जो है दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब चौथा मांग यानी कि मांग संख्या फोर, कोरोना काल की ड्यूटी के लिए सभी आशाओं फैसिलिटेटरों को 10,000 रुपया कोरोना भत्ता भुगतान किया जाए। इसके निर्णय में क्या है, देखिए इस मद में पूर्व में राशि भुगतान किया जा चुका है, अब यह मुद्दा जो है कालातीत हो गया है। यानी कि ये मांग पूरा नहीं किया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि इस मद में पूर्व में राशि भुगतान किया जा चुका है, यानी कि इसमें जो है पहले ही राशि भुगतान किया जा चुका है, अब यह मुद्दा कालातीत हो गया है। यानी कि ये मुद्दा जो है बहुत ही जो है पुराना हो गया, इसका काम खत्म हो गया है। उसके बाद अगला मांग संख्या पाँच, आशाओं जो है मांग संख्या पाँच यानी कि पाँचवा मांग में जो पहला मांग है कि आशाओं को दे पोशाक यानी कि सिर्फ साड़ी के साथ ब्लाउज पेटीकोट तथा ऊनी कोट की व्यवस्था की जाए और इसके लिए देय राशि का अद्यतन भुगतान किया जाए। तो इस पर निर्णय क्या बना है कि आशा कार्यकर्ताओं को देय पोशाक में साड़ी के साथ पेटीकोट ब्लाउज तथा
उन्हीं कोड का शामिल करते हुए वर्तमान में भुगते वार्षिक 1,000 रुपये को बढ़ाकर 3,000 रुपये जो है वार्षिक भुगतान की व्यवस्था की जाएगी। यानी कि पोशाक के लिए जो आप लोगों को 1,000 रुपये दिया जाता था वो अब बढ़ाकर 3,000 रुपये जो है वार्षिक यानी कि सालाना किया जाएगा। उसके बाद अब पांचवा मांग में जो है दूसरा पांचवा मांग में ही जो ख नंबर का मांग है कि फैसिलिटेटर के लिए भी पोशाक का निर्धारण और उसकी राशि भुगतान की शीघ्र व्यवस्था की जाए, तो उसमें निर्णय आया है कि आशा फैसिलिटेटरों को उक्त यानी कि जो है क नंबर में जो विहित पोशाक का निर्धारण किया जाएगा 3,000 रुपये का वार्षिक भुगतान की व्यवस्था की जाएगी। इनके पोशाक का रंग रूप अलग रहेगा यानी कि आशा कार्यकर्ताओं की तरह ही इनको भी पोशाक का पैसा 3,000 ही दिया जाएगा, लेकिन फैसिलिटेटरों का जो ड्रेस होगा उसका जो है रूप और रंग अलग रहेगा, सिर्फ इसमें अंतर है। अब पांचवा मांग में तीसरा जो है ग नंबर मांग देखिए कि फैसिलिटेटरों को 20 दिन की जगह पूरे माह का भ्रमण भत्ता यानी कि SBC दैनिक 500 रुपये की दर से भुगतान किया जाए, तो निर्णय इसका क्या आया है कि आशा फैसिलिटेटरों को देय भ्रमण भत्ता SBC के वर्तमान 300 रुपये प्रतिदिन के दर को पुनरक्षित कर 500 रुपये प्रतिदिन करने हेतु प्रस्ताव अगले PIP में शामिल किया जाएगा। यानी कि अभी जो है ये PIP में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन ये अगले प्रस्ताव के PIP में जो है शामिल किया जाएगा, लेकिन 300 जो है 300 से बढ़ा करके उसको 500 कर दिया गया है। अब ये देखिए आप मांग नंबर 6 मांग संख्या 6 नंबर का पहला मांग ये है कौन नंबर मांग कि वर्षों पूर्व विभिन्न कार्यों के लिए निर्धारित प्रोत्साहन राशि की दरों में समुचित वृद्धि हेतु केंद्र सरकार को प्रस्ताव एवं अनुशंसा प्रेषित किया जाए। ठीक है, तो अब इसमें जो है तो इसमें निर्णय नहीं हुआ है। उसके बाद जो है मांग संख्या 6 देखिए आशा व आशा फैसिलिटेटरों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, तो इसमें निर्णय क्या निकला है कि विभिन्न कार्यों के लिए आशा कार्यकर्ताओं को पूर्व से निर्धारित प्रोत्साहन राशि की दरों में वर्तमान महंगाई सूचकांक के मद्देनजर समुचित वृद्धि हेतु राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री की ओर से केंद्र सरकार को अर्ध सरकारी पत्र के माध्यम से प्रस्ताव एवं अनुशंसा प्रेषित किया जाएगा। उक्त प्रस्ताव में आशा कार्यकर्ता एवं फैसिलिटेटरों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का प्रस्ताव भी शामिल रहेगा। उसके बाद मांग संख्या 7 कोरोना से पुष्ट मृत आशाओं को राज्य योजना का 4,00,000 और केंद्र बीमा योजना का 50,00,000 राशि का भुगतान किया जाए, तो इसमें निर्णय क्या निकला है कि कोरोना महामारी के रोकथाम कर्तव्य के दरम्यान कोरोना संक्रमण अथवा दुर्घटना आदि से मृत आशा व आशा फैसिलिटेटरों को केंद्र बीमा योजना के अंतर्गत देय 50,00,000 रुपया के भुगतान नहीं होने के मामले का दावा प्रस्तुत किए जाने पर विहित शर्तों के अधीन बीमा राशि के भुगतान की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। अब मांग संख्या जो है 7 तो कोरोना से पुष्ट मृत आशाओं को राज्य योजना का 4,00,000 और केंद्र बीमा योजना का 50,00,000 जो है राशि का भुगतान किया जाए, तो इसमें निर्णय क्या बना है कि कोरोना महामारी की रोकथाम कर्तव्य के दरम्यान संक्रमण अथवा दुर्घटना आदि से मृत आशा व आशा फैसिलिटेटरों को केंद्र बीमा योजना के अंतर्गत जो है 50,00,000 रुपये का भुगतान नहीं होने के मामले का दावा अगर कोई करता है तो उसमें जो है उस भुगतान किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। अब मांग संख्या 8 आशा कार्यकर्ता फैसिलिटेटर को भी जो है सामाजिक सुरक्षा योजना पेंशन योजना का लाभ दिया जाए, जब तक यह नहीं किया जाता तब तक रिटायरमेंट पैकेज के रूप में एक मुफ्त 10,00,000 का भुगतान किया जाए, तो इसमें निर्णय ये बना है कि सैद्धांतिक रूप से सरकार इस मांग पर सहमत है। इस मुद्दे पर राज्य सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार का कालांतर में निर्णय लेगी, यानी कि अभी जो है इसका निर्णय नहीं लिया गया है लेकिन आने वाले समय में इसका निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद मांग संख्या 9 जनवरी 2019 को समझौते के अनुरूप मुकदमों की वापसी सहित अन्य कार्यान्वित बिंदुओं को शीघ्र लागू किया जाए, तो इसमें निर्णय क्या बना है कि अकार्यान्वित बिंदुओं की समीक्षा कर उसे कार्यान्वित करने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद देखिए अन्यान्य 12 जुलाई 2023 से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के क्रम में की गई
दंडात्मक कार्रवाइयों को निरस्त करने तथा दर्ज मुकदमों की वापसी के संबंध में संबंधित पदाधिकारियों को कार्रवाई हेतु निर्देशित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि इन हड़ताल के बीच, इस हड़ताल की पीरियड में जहां पर भी जिस तरह के मामले सामने आए हैं, जिस प्रकार से भी FIR कहीं पर अगर दर्ज हुआ है, तो इन सभी मामलों को वापस लिया जाएगा। जितने भी तरह के जो है मुकदमा हुआ है, उन सभी को वापस लिया जाएगा। और इसमें आप देख रहे हैं शशि यादव जो है वो भी है, उसके बाद रामबली प्रसाद, सम्मानित अध्यक्ष महासंघ गोपगुट के जो कि हैं, यानी कि ये तमाम लोग जो है इस बैठक में शामिल हुए थे। इस प्रकार से आप लोगों के मांगों पर सहमति बनी और फिर आप लोगों को जो है ये प्रपत्र जो है लॉन्च कर दिया गया।